टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सुबह सुबह का ये टाइम है और मैं घर की साफ़ सफ़ाई कर रही थी। इससे पिछले वाली वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी। मैं वीडियो बना रही थी और मेरा फ़ोन गिर गया था और वीडियो ऑन थी तो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो मैंने सुबह का जो रूटीन है वो इतना ही शेयर किया है। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी और जैसे ही मैं नहा कर आई ना, रियांश भी उठ गया था। तो योगा क्लास का टाइम हो गया था, मुझे जाना था। तो मेरे पास थे अभी 5 से 10 मिनट, तो मैंने सबसे पहले रियांश को दी थी दूध बिस्किट। खा के थोड़ा सा वो आधा पौना घंटा उसको रिलैक्स रहेगा और इतने में योगा से आ जाऊंगी, फिर बनाऊंगी नाश्ता बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली है और भगवान जी की पूजा कर मैं निकलूंगी योगा क्लास वाला के लिए। मैंने ये मुझे बस ये सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा रहता है और ये भी बड़ा अपने जो भी मन में बातें बड़ा अच्छा लगता है। ये वाला टाइम जब भगवान को याद करना, किसी से पूजा करना आते हैं जो और भगवान से क्या पाते हैं ना, उनसे कुछ मांगना। हम हमेशा भगवान से कुछ मांगते हैं लेकिन भगवान हमसे कभी कुछ नहीं मांगते हैं करके जरूर बताना। हमारी परीक्षा लेते हैं वो बना लिया था जो हमें अच्छे से देनी होती है, यही पी के जाती हूँ। अगर वो अच्छे से दे दे तो जीवन अच्छा बीतता है। योगा मैं क्या बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है ना, मैं वो बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं बस यहाँ पे योगा क्लास में चली गई थी। उसके बाद मैं घर से वापस आ रही थी ना, सबसे पहले मेरे को किचन में आना होता है क्योंकि बच्चों को भूख लग रही होती है। तो माइंड में मेरा यही होता है कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ फटाफट जल्दी से बना दो। तो बस एक ग्लास पानी पिया है तो मुझे ये लगता है ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीती हूँ मैं। एकदम बाहर से आकर मेरे को सोचना पड़ा, पानी पीते ही मैं लग गई थी खाना बना, कुछ नाश्ता वगैरह जल्दी बना दूं। आज बनाऊंगी मैं आलू बैंगन, समझ नहीं आ रहा जो हमारी देसी रेसिपी होती है। मतलब आलू ले आई थी, आलू मेरे खत्म हो गए थे। जो नॉर्मल खाना होता है इन द सेंस, मिर्ची ले आई थी वो भी खत्म हो रहा था, जो देसी खाना होता है समझ जाइए आप वाले फ्लोर से। मैं ले ज्यादा मसालों का नहीं, बस नॉर्मल मसाला है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। देखो मैं हमें टमाटर फ्राई कर रही थी और हाथ पे एकदम छीटा ही, मेरे साथ जरूर ऐसा होता है, मेरा हाथ हमेशा जली जाता है। तो बस यहाँ पे पहले मैंने कुकिंग ऑयल डाला था और सरसों का तेल जैसे ही खदका उसमें मैंने ऐसा ही लाल करके बताना जीरा। उसके बाद मैंने हरी मिर्च और टमाटर डाल के उसको भून लिया था, मसाले डाले थे, लाल मिर्च करते तो देखो धनिया बैंगन की रेसिपी ये सब डालकर मैंने लोगों को सब्जी को बट बनाने के लिए रख दिया है। इसमें दो ही इलायची का तड़का लगाया था, इतने सब्जी मैंने की तो मैंने बस यहाँ पे आटा गूंदने के तैयार कर लिया है। तो मेरा यही रहता है, मेरे को लगता है कि फटाफट से काम हो जाए फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स से बैठ लूंगी। अगर मैं आके बैठ जाऊँ बच्चों को भूख भी लग रही होती है। वैसे तो मैं पहले भी बना के जा सकती हूँ बट मैं सोचती हूँ कि पहले और अभी क्या है ना, वैसे रूटीन ही बिगड़ा हुआ है। मैं सच बता लगाऊ ना तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, योगा जाने से पहले मैं सारे घर की सफाई खाना पीना सब बना के चली जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं भी ज्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि अब 2-4 दिन ही बचे हैं स्कूल जाने में, बच्चों के स्कूल खुलने ही वाले हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा आराम से ही उठती हूँ और आराम से अपना काम करती हूँ। ये तो है नहीं मेरे को कहीं जाके सर्टिफिकेट देना है कि मेरा काम जल्दी हो गया जी, मुझे सर्टिफिकेट दे दो। तो मेरा काम मैं अपनी सहूलियत के अनुसार करती हूँ। तो बस जैसे मुझे टाइम लगता है मैं वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए। आलू बैंगन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। देसी रेसिपी, इजी रेसिपी और सिंपल रेसिपी, हमेशा खाना स्वाद ही बनेगा अगर आप सिंपल चीज़ों से मिलकर खाने को बनाओगे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म आलू बैंगन रेडी थे, चाय भी रेडी थी और पराठा भी। यहाँ पर लच्छेदार पराठा मैंने बना दिया है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं लच्छे वाला पराठा कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले आप रोटी की तरह पराठे को बेल लीजिए, बिल्कुल जैसे गोल गोल रोटी होती है किसी भी शेप में आप बेल सकते हो। इसके बाद मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया और पराठे को ना बहुत सारे हिस्सों में कट कर लिया, पराठा बनाने के लिए रोटी को कट कर लिया। जो इसके पीसेस थे ना वो एक के ऊपर एक रखते जाए, जो तेल वाली साइड थी उसको नीचे की साइड रखें और इस तरीके से बस एक के ऊपर एक रख के इसकी एक पिट्ठी टाइप बन जाएगी। आपको बस इसको हल्के हाथों से बेलना है और आपका लच्छेदार पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको लच्छे नान भी बना सकते हो, अगर नान का आटा गूंदो तो भी आप इस
तरीके से बना सकते हो। मैं किसी दिन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे बस कुकिंग ऑयल लगा लगा के मैंने इसको सेक लिया था। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, करारा तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। और आप चाहे तो इसमें कम ऑयल भी लगा सकते हो, मैं भी बहुत कम ऑयल ही में सेकती हूँ, बट जब पराठे बन रहे हैं तो लगेगा तो है ही ऑयल। तो बस यहाँ पे लगा दी थी मैंने, पीहू और रियांश के लिए भी थाली लगा रही थी, और मज़ेदार लच्छे पराठे बनकर रेडी हो जाएगा। कौन कौन ट्राई करेगा ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो बस यहाँ पे पराठे बन रहे थे, सभी को मैंने खिला दिए थे। इसके बाद थोड़ी सी किचन में क्लीन कर दूँगी। अपने खाने से पहले मैं हमेशा थोड़ी सी किचन क्लीन करती हूँ, ताकि अगर मैं 10 मिनट बैठ भी जाऊँ तो किचन मेरी हमेशा साफ़ रहती है। फिर से मेरा हाथ जल गया था, तो मेरे साथ तो ऐसा लगता रहता है, आप लोगों का हाथ जलता है जब आप काम करते हो? मेरा तो बहुत ज़्यादा जलता है। इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मैं आते ही योगा क्लास से लग गई थी खाना बनाने। फिर आधा घंटा मैंने रेस्ट करा, उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी। किचन पूरा क्लीन कर दिया था और फिर से बच्चों को ना पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, तो मैंने सोचा चलो यही राइट टाइम है, बच्चे पढ़ते भी रहेंगे, उनके पास मैं थोड़ी देर बैठ भी जाऊंगी। और सारे कपड़े हैं जो मेरे कल मैंने धोए थे वो मैं फ़ोल्ड भी करके रख दूंगी। तो इसी तरह मैं अपने कामों को ना अच्छे से मैनेज करती हूँ, मतलब सोचती तो मैं यही हूँ कि अच्छे से मैनेज हो जाए, बाकी होते हैं कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं। तो बच्चों का हॉलीडे होमवर्क थोड़ा सा ही रहता है, ऑलमोस्ट तो मैंने डन करा ही दिया है। अच्छा, बच्चों की मतलब छुट्टियां दे देंगे और होमवर्क इतना ज़्यादा देते हैं ना ये लोग, बहुत ही ज़्यादा। और वो काम सिर्फ माओ के लिए होता है, क्योंकि हॉलीडे का मतलब क्या होता है तो कि थोड़े दिन बच्चे खेले भी, लेकिन हॉलीडे होमवर्क के साथ इतने सारे असाइनमेंट, ओ माय गॉड, बच्चों का करा करा के मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। क्योंकि बच्चे अभी हॉलीडे चल रहे हैं, मस्ती चल रही है, तो बच्चों का भी मन करता है कि हम खेलें कूदें मस्ती करें, लेकिन इस मस्ती के बीच में बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर बातों बातों में मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे, तो मैंने उन सारे कपड़ों को उनकी जगह पर लगा दिया था। यहाँ पे बस पीहू की अलमारी में लगा दिया था। और मेरे इतना काम करने के बाद बच्चे भी उठ के चले गए थे, उन्होंने कहा हमारा भी काम ख़त्म हो गया। तो मतलब बच्चों को ना बहाना चाहिए, जितनी देर मैं उनके पास बैठती हूँ बस उतनी देर ही पढ़ते हैं। इसके बाद है ना मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी, क्योंकि योगा से आने के बाद ना पूरा शरीर थकावट वाला हो जाता है। इसके बाद मैं सीधा आपसे शाम को मिली हूँ, नहा कर अपना रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे वो कपड़े काफ़ी चुभ रहे थे। मतलब थोड़ा सा गर्मी में ना मैं 2 बार ज़रूर नहाती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है सच में। अच्छा, शाम का टाइम हो गया था, कुछ स्नैक्स में क्या बनाएं और कुछ खाने का मन ना करे तो आप ये वाला ट्राई करना, पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको भी सिंपल रोटी की तरह बेल लेना है, इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च मिला सकते हो, इसमें आप जीरा भी डाल सकते हो, या आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो। नहीं डाला है, लेकिन आप डालोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। और उसी की तरह आप जितने भी पीसीस काटे हैं उसको एक के ऊपर एक रखना है, और बस इसी तरह आपको पराठा बेल लेना है। सबसे बड़ा पीस ऊपर और नीचे रखें, इससे आपका पराठा अच्छा बनेगा और टेस्टी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लच्छेदार बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप चाय के साथ खा सकते हो, अगर आपके घर में सब्जी नहीं है या आपको इमरजेंसी में कुछ बनाना है उस टाइम भी आप इसको बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ये खाएंगे तो मट्ठी वगैरह भूल जाएंगे, सच में कोई स्नैक्स भूल जाएंगे इस वाले पराठे को खाकर। और अगर आप इसको देसी घी में सेकते हो तो आप इसको खाते ही रह जाओगे। मैंने नहीं सेका था, क्योंकि पीहू के पापा को हैवी लगता है ये वाला पराठा देसी घी में, तो मैंने तो कुकिंग ऑयल में सेका था। उसके ऊपर से अगर मैं घी भी लगा देती हूँ तो उनको हैवी लगता है, वैसे मैंने थोड़ा सा लगा दिया था, टेस्टी लग रहा था। इसके बाद बस यहाँ पर टेस्टी टेस्टी लच्छेदार नमक मिर्च का पराठा बनकर रेडी है, और यहाँ पे पसीने भी रेडी है। सच में थोड़ा सा काम करते ही बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। इसके बाद मैंने किचन और काउंटर टॉप क्लीन कर दिया था, जो काम करते करते मेरा थोड़ा सा हमेशा से ही गंदा हो जाता है, और आजकल थोड़ी सी किचन गंदी हो गई है, काफ़ी दिन हो गए थे, उनको ठीक करना था। हेलो गाइस, तो ये शाम की हाय कर रही हूँ मैं आपसे। तो बस मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो मेरा ना थोड़ा सा रायता रखा हुआ था 2-3 दिन पुराना, और ये थोड़ा सा खट्टा भी हो गया था, तो मेरे को समझ आया कि आज वीरवार भी है। तो बस ये परसों का व्लॉग है, मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी, तो परसों वीरवार था, तो मैंने सोचा चलो यार कढ़ी बना लेते हैं, और कढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। और मेरा मन करता है कि कोई किसी और के हाथ की कढ़ी खाऊं, बट हो नहीं पाता है ऐसा, लेकिन मैंने इसलिए खुद ही डिसाइड करा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा रायता रखा और खट्टा हो जाए तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दही मिलाएं और कढ़ी बना लें। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था, बेसन के बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल के रेडी कर दिया था कढ़ी का बैटर। इसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पर सरसों का तेल,
और सरसों का तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाला था मेथी दाना और थोड़ा सी राई और कड़ी पत्ता, दैट्स इट। इसके बाद हल्दी और मिर्च डालकर मैंने कड़ी छोंक दी थी। मैं कड़ी सिंपल सी छोंकती, मैंने आपको बताया ना कि जितना सिंपल खाना होगा उतना ही टेस्टी लगेगा, तो मैं तो इसी तरह कड़ी छोंकती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे छोंकते हैं कड़ी। और मेरी सासू माँ तो ऐसे ही छोंकती थी, तो मैं इसी स्टाइल से छोंकती हूँ। चलिए यहाँ पे कड़ी तो छुक गई थी, कड़ी इतने पकेगी, हम आगे की तैयारियाँ कर लेते हैं। मैंने बेसन में प्याज डाल दी थी और थोड़ा सा नमक अभी नहीं डाला है, थोड़ी देर में डालूंगी। तो मैंने इसका एक घोल बना लिया था, क्योंकि पकौड़ी के लिए बेसन और प्याज वाली पकौड़ी बनाती हूँ मैं बेसन में प्याज डाल के। कई लोग कड़ी में प्याज डालते हैं और पकौड़ियों में नहीं, तो मेरा तो कड़ी सिंपल बनती है और मैं पकौड़ी प्याज वाली बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और पकौड़ी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो नमक डाल के मैंने उसमें रख दिया था मसाले वगैरह, ताकि जब मैं पकौड़ियाँ बनाऊँ ना तो मेरी जो पकौड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट बने। और चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे, इतने में कड़ी में खदका भी आ गया था ये काम करते करते, तो ये काम भी हो गया और कड़ाई में तड़का भी, कड़ी में उबाल भी आ गया था। अब इसको मैं थोड़ा सा सिम गैस पर रख दूँगी। और यहाँ पर पीयू के पापा छत पे गए थे, छत पे पौधों में पानी डाल रहे थे, तो हमारी एक टेबल थी जो ऊपर रखी हुई थी, फिर हमने डिसाइड किया कि वो लेकर आएंगे और पीयू के पापा वो ले आए थे। और ये मेरी तुलसा जी का पौधा है ना, ये बिल्कुल सूख गया है, मैं इसको ठीक करवा के फिर से नीचे रखूँगी। और यहाँ पे ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ये थोड़े से गीले थे, तो मैंने इनको दोबारा सुखाने के लिए रख दिया था। इसके बाद ये वाली जो सेंटर टेबल है ना, राउंड टेबल, ये वाली लेकर आए थे हम लोग, ऊपर रखी हुई थी, तो बस ये मैंने सेंटर में, इसको मैं बिल्कुल साइड में लगाती हूँ। और ये हमारा बालकनी एरिया है, जब हम यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है ना बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम ये वाली जो टेबल है और जो चेयर है वो हमेशा यहीं रखते हैं। और जो चेयर थी ना बहुत ज़्यादा वाली गंदी हो रही थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि इतना सा एरिया साफ़ करने में पसीने पसीने हो गई थी मैं। और ये वाली चेयर अभी थोड़ी देर में धोएंगे, इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं सच बता रही हूँ। गर्मी गर्मी तो ना बाहर से ही खाना ऑर्डर करना चाहिए सच में, लेकिन बाहर का खाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, इसलिए मैं खुद ही खाना बनाना पसंद करती हूं। बस यहां पे चावल भी छोंक दिए थे और बना ली थी कड़ी में डालने के लिए पकौड़ियां। अब कड़ी में डालने के लिए पकौड़ियां बनाई हैं और तेल चढ़ा हुआ है, तो कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। तो बस यहां पे थोड़े से मैंने ये पापड़ तल लिए थे और थोड़ी सी ये मेरी मम्मी ने बनाई थी चावल की कचरी, सच में यार। और ये इतनी पुरानी हो गई, एक दो साल पुरानी, और मैं हमेशा इसको, बस अब ये थोड़ी सी बची है, सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, चावल की होती है और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, करारी भी बहुत लगती है। ये मेरी मम्मी ने बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स में बना दिया था, और पीहू को मैं थोड़ा मजाक कर रही थी, मैंने देरी। पीहू तो मेरी खा लेती है सब चीज़ें, थोड़ा सा रियांश और ये काना दोनों कुछ नहीं खाते हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा मूडी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको बच्चों को खिलाने के बाद मैंने यहाँ पे चेयर धो के रख दी थी, आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला एरिया, बहुत उसमें यहाँ पर बारिश वगैरह आती है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ इसको डेकोरेट करूँ, बट अभी तो कुछ नहीं। मैं सच बताऊँ ना, मैं आपके साथ अपनी परेशानियाँ नहीं झेल बताती हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ आपको हैप्पी मोमेंट अपने बताती हूँ सच में। और मेरे को ऐसा लगता है किसी और को परेशानी बताने से सामने वाला मजाक उड़ाता है, और आपकी मतलब मेरा ये मानना है कि अपनी परेशानियाँ अपने तक रखें और अपने तक सुलझाएँ, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करता और आपको जज करता है कि नहीं आप तो बड़े अच्छे तरीके से रहते हो, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। तो इसलिए हर बंदा परेशान है आज की डेट में। और चलिए छोड़िए ये सब बातें, छोड़िए, यहाँ पे रोटी पे ना स्माइली बन गई थी, आपने देखा सच में अचानक ही बन गई थी। तो बस यहाँ पे रियांश को कड़ी नहीं खाता था, उसके साथ आलू बैंगन के साथ रोटी दे दी थी, और यहाँ पे मैंने पीहू के लिए प्लेटिंग कर दी थी कड़ी चावल, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और कॉमेंट करके बताना आप लोगों को कड़ी चावल कैसे लगते हैं, और कौन कौन कड़ी लवर है जैसे कि मैं हूँ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे पीहू और रियांश के लिए मैं खाना ले आई थी, और यहाँ पे रियांश को भी मैंने बताया कि रोटी में अचानक ही बन गई थी स्माइली। तो बस इसके बाद ना सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, थोड़े से कड़ी चावल बचे थे, इनको मैंने स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था, और सारी किचन क्लीन कर ली थी, बर्तन भी वॉश कर लिए थे। तो बस आज का तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, आप लोग बताना आप लोगों को पूरे व्लॉग में क्या अच्छा लगा, और आप क्या क्या देखना चाहते हो मेरे व्लॉग्स में,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो और मेरे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हों आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको पूरे व्लॉग में मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा ज़रूर बताना। चलिए ये मेरा छोटा सा व्लॉग, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय राय।